सर की क्लास। तो जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में सेवेंथ स्टैंडर्ड के मैथ्स का हम लोग ने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था, सेकंड टॉपिक हमने स्टार्ट किया था जो टॉपिक का नाम था मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, मतलब पूर्णांक संख्याओं का गुणा तथा भाग, जहाँ पे हमने पढ़ा था मल्टीप्लीकेशन के बारे में। मल्टीप्लीकेशन हमारा कम्प्लीट हो गया था और जिसके बेस पे हमने हमारा प्रॉब्लम सेट नंबर 8 भी क्या है फिनिश कर दिया था, मतलब प्रश्न संग्रह 8 भी हमने सॉल्व कर लिया था। तो आज हम उसके आगे बढ़ेंगे जो कि है डिवीजन, मतलब भाग देना। तो मैंने आपको जैसे मल्टीप्लीकेशन सिखाने के पहले मैंने आपको कुछ फॉर्मूलास बताए थे, जो फॉर्मूला में हमने क्या सीखा था, हम लोगों ने साइन का एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन किया था और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें आंसर क्या फाइंड आउट होता है वो हमने वहां पे सीखा था। ठीक उसी तरह से डिवीजन में भी हम क्या करेंगे, हम जो साइंस है मतलब जो चिन्ह है उनका आपस में क्या करेंगे, उन्हें आपस में डिवाइड करेंगे। मतलब जैसे मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवीजन करेंगे। तो चलो हम लोग एक उसका एक छोटा सा एग्जांपल दे लेते हैं। प्लस का अगर डिवाइड हम लोग करेंगे उसे प्लस के साथ, मतलब पॉजिटिव नंबर का डिवीजन होगा अगर पॉजिटिव नंबर के साथ, तो हमें आंसर क्या फाइंड आउट होगा, पॉजिटिव नंबर। मतलब धन का अगर भाग देंगे धन में तो हमें आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे धन मिलेगा। सेकंड था हमारा प्लस का अगर डिवाइड हम लोग करेंगे माइनस के साथ तो हमें आंसर क्या फाइंड आउट होगा, माइनस। ये जो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला सीख रहे हैं वो सेम ही है, बस हमें क्या करना है मल्टीप्लीकेशन की जगह हमें क्या करना है डिविजन लगाना है, बाकी सारे आंसर जो है वो सेम आएंगे। ठीक उसी तरह से माइनस का अगर हम डिवाइड करेंगे माइनस के साथ तो हमें आंसर क्या मिलेगा, प्लस। और माइनस का अगर डिवाइड होगा प्लस के साथ तो हमें आंसर क्या मिलेगा, माइनस। तो ये फॉर्मूला को अब हमको ध्यान में रख के हम स्टार्ट करेंगे अपना डिवीजन। मतलब ये जो हमने सीखा है अभी, ये फॉर्मूला का यूज करके हम सीखेंगे कि भाग कैसे दिया जाता है। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रॉब्लम सेट 9। प्रॉब्लम सेट 9 के मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं। अब हमने जो फॉर्मूला सीखा है उस फॉर्मूला के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मतलब ये जो प्रश्न संग्रह 9 का सवाल मैंने यहाँ पे कुछ सवाल यहाँ पे लिख के आपको दिखाए हैं। अब जो हम लोग ने फॉर्मूला अभी सीखा है उस फॉर्मूला का उपयोग करते हुए हम ये सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहला सवाल हम लोग देखते हैं क्या है। पहला सवाल है ये -96 डिवाइडेड बाय 16, इस तरह से दिया हुआ है। तो आप सभी को पता होगा कि ये जो डिवाइड है, डिवाइड को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि अभी ये -96 है तो -96 डिवाइड को हम लोग इस तरह से अपॉन के थ्रू भी लिख सकते हैं और यहाँ पे जो 16 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया हमारा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। मतलब इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, अंश, और इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, हर। ये आप सभी को पता होगा। तो चलिए अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे आपको डिवाइड करने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप ये फाइंड आउट कीजिएगा कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स है क्या वो एक ही टेबल के नंबर से डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। अगर नहीं हो सकते हैं तो हम क्या करेंगे, उसे दूसरे नंबर से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अपॉन में क्या है, 16, मतलब डिनोमिनेटर में 16 है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि 16 के टेबल में भी 96 आता है या नहीं। मतलब अंश में 96 हो गया और हर में 16 हो गया है, तो देखेंगे कि 16 के पहाड़े में 96 आता है कि नहीं। सबसे पहले हम ये फोकस करेंगे कि जो हमको नंबर्स दिया गया है वो दोनों नंबर एक ही पहाड़े में आ रहे हैं या नहीं, मतलब 16 के ही पहाड़े में 96 आता है कि नहीं, वो देखेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं 16 के टेबल में 96 आता है या नहीं। 16 का टेबल आप लोग देखिए, तो 16 के टेबल में 6 16 6 जा 96, मतलब 16 का 6 बार अगर गुणा होगा, 16 का पहाड़ा अगर आप पढ़ोगे तो छठवीं बार क्या मिलता है हमें, 96 मिलता है। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 16 1 जा 16 और 16 6 जा 96। अभी हमें आंसर क्या मिल गया यहाँ पे, -6/1। जहां पे अपॉन होता है वहां पे हम लोग डायरेक्टली इसको -6 भी लिख सकते हैं,
मैं भी इसी को हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब हमने यहाँ पे भाग दिया 16 के पहाड़े में 96 कितनी बार मिला हमें, 6 बार मिला, तो हमारा उत्तर क्या आ गया, -6/1। अब यहाँ पे बटे में जब भी बटे में हर मतलब हर में एक संख्या रहती है, मतलब एक नंबर रहता है, तो उसे हम लोग डायरेक्टली -6 भी लिख सकते हैं। तो ये सभी को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, 98/-28। चलो हम पहले इसको हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूमरेटर में क्या आएगा, 98/-28, मतलब अंश में हो गया 98 और हर में आ गया 28। तो अभी हम लोग सबसे पहले हम लोग कौन सा लॉजिक लगाएंगे कि दोनों एक ही टेबल में आता है या नहीं। अभी यहाँ पे 28 दिया है, तो 28 का टेबल तो आप लोगों को जाहिर सी बात है कि याद तो नहीं होगा। तो चलिए हम लोग ऐसा कोई ढूंढते हैं जिसमें 28 आता हो कोई टेबल में। तो सबसे पहले हम बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए 7 के टेबल में, 7 के टेबल में 28 आता है, यस आता है। 7 के पहाड़े में 28 आता है, कितनी बार आता है, 7 6 28, 7 4 28। अभी मैंने इसको नीचे 7 से डिवाइड किया, तो मुझे ऊपर भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से। मतलब नीचे अगर मैंने 7 से भाग दिया है तो मुझे ऊपर भी किससे भाग देना पड़ेगा, 7 से भाग देना पड़ेगा। तो चलो मैं 7 से इसको भाग देती हूँ, 7 1 7, 7 2 14 ज्यादा हो गया, तो 7 1 जाएगा, तो 9 में से 7 गया, कितना बचा, 2। अब यहाँ पे 28 हो गया, 7 4 28। अभी मुझे यहाँ पे 14 मिला और यहाँ पे 4 मिला है। अब 4 के टेबल में तो 14 नहीं आता है, लेकिन ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 4 और 14 दोनों आता है, तो ऐसा कौन सा टेबल है, 2 का टेबल। तो 2 2 4, 2 7 14। अब क्या 2 और 7 एक दूसरे से डिवाइड होंगे, नहीं होंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, माइनस जो लिखा है वो -7/2। मतलब जो ऋण का चिन्ह होता है वो ऋण का चिन्ह हम वैसे ही लगाएंगे, और जो हमें उत्तर मिला है 7/2 वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, 7/2। ये आ गया होगा सबको समझ में। अब आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा है -150/-25, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको कौन से फॉर्म में लिखेंगे, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर की तरह हम इसे लिख लेंगे। 150/-25। तो अभी यहाँ पे आप चीज देखोगे, यहाँ न्यूमिरेटर में भी माइनस है, मतलब अंश में भी ऋण है, और डिनोमिनेटर मतलब हर में भी ऋण है। तो जब भी न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह माइनस होगा, तो वो माइनस माइनस एक दूसरे से क्या होगा, कट जाएगा, मतलब माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो चलिए अभी हमें क्या मिल गया, 150 और यहाँ पे 25। तो आपको मैं यहाँ पे छोटा सा लॉजिक बता देती हूँ। जिस नंबर के यूनिट में 0 या फिर 5 हो, जिस नंबर के यूनिट में 0 या फिर 5 हो, वो जो नंबर है हमेशा 5 से डिवाइड होती है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 0 तथा 5 हो, वो संख्या 5 से भाग जाती है। तो हम लोग इसको सबसे पहले 5 से डिवाइड करके लिखेंगे, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, और ये 0। अब ऊपर 3 है, नीचे 5, सेम यूनिट में 0, यूनिट में 5, फिर से 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, मतलब 5 एकम 5, 5 6 30। तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो चुका है, तो हमें आंसर मिलेगा 6/1। 6/1 को हम लोग क्या लिखते हैं, 6 भी लिखते हैं। तो ये सभी को समझ में आ गया होगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे, हमारा फोर्थ क्वेश्चन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 9/-54। तो चलिए इसे हम लोग पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर की तरह हम इसे लिख लेते हैं। लिख लिया मैंने इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, मतलब अंश तथा हर की तरह मैंने इसे लिख लिया। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, न्यूमरेटर में क्या है, 9, और डिनोमिनेटर में 54 है। तो 9 के टेबल में 54 आता है क्या, आप 9 का टेबल पढ़ के देखिए, यस आता है। 9 1 जा 9, 9 6 जा
54 मतलब 9 एकम 9 और 9 छक 54। तो यहाँ पे ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1/6। अब आप बोलोगे यहाँ पे 1/6 है मतलब 6 होगा, नहीं यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 है और न्यूमिनेटर में 1 है। तो जब डिनोमिनेटर में 1 होता है मतलब जब हर में 1 होता है तब हम संख्या को वैसे का वैसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आंसर होगा हमारा -1/6। तो यहाँ पे हमने ये चारों सम्स सॉल्व कर लिए हैं। किसको ध्यान में रखते हुए? हमने जो डिवाइडेशन का फॉर्मूला देखा था, वो डिवाइडेशन का फॉर्मूला मतलब जो हमने फॉर्मूला सीखा था अभी कि भाग कैसे देना है, वो फॉर्मूला का यूज करते हुए हमने ये चार सवाल हल कर लिए हैं। तो अभी प्रॉब्लम सेट में आगे की जो भी सम्स है वो सेम सम्स क्या है इसी के बेस पे है, तो इसको छोड़ के बाकी के जो भी सम्स बचे हुए हैं मतलब जो भी सवाल बचे हुए हैं वो आप होमवर्क के तौर पे खुद कीजिएगा, राइट। तो चलिए अभी हमारा ये प्रॉब्लम सेट का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे खत्म हो गया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे मतलब दूसरे सवाल पे। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस तरह से है, राइट 3 डिवीजन ऑफ इंटीजर्स सच दैट फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ ईच विल बी 24/5। इसी को हिंदी में देखते हैं, हिंदी में क्या लिखा है, पूर्णांकों का उपयोग करते हुए ऐसे 3 भाग के प्रश्न तैयार करो जिनका उत्तर 24/5 हो। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे कुछ ऐसे पेयर्स फाइंड आउट करने हैं जिसको डिवाइड करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा 24/5। मतलब यहाँ पे हमें कुछ ऐसी जोड़ियां बनानी है जिनको आपस में भाग देने पे हमें जो उत्तर मिलेगा वो उत्तर किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से मतलब 24/5। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जो हमारा 20/5 ये कौन सा फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, 24 है और यहाँ पे 5 है। ये 5 अगर मैं 5 × 5 करती हूँ तो क्या 5 में 24 से जाएगा डिवाइड होगा, नहीं होगा। मतलब 24/5 ये ऐसा फॉर्म है जिसमें एक ही संख्या से भाग नहीं जाएगा, मतलब अगर मैं इसे 5 से भाग देना भी चाहूँ तो इसमें 5 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसीलिए कौन सा फॉर्म हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो जब भी ऐसा हमको सिंपलेस्ट फॉर्म दिया होता है तो हमें क्या करना होता है, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मतलब अंश तथा हर में हमें सेम संख्या से आपस में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, और गुणा करने के बाद जब हम उसे भाग देके देखेंगे तो हमें आंसर ये मिलेगा। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे मैं रफली आपको बता देती हूँ 24/5 ये हमारा क्वेश्चन है। अभी मुझे इसमें क्या करना है, सेम संख्या से मतलब सेम नंबर से हमें क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं सबसे पहले करती हूँ 2 से, मैं डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और न्यूमिरेटर में भी मतलब अंश और हर में दोनों से मैं किससे गुणा करूंगी, 2 से गुणा करूंगी। तो 24 में 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, 48। मतलब 24 का 2 में गुणा होगा तो हमें कितना मिलेगा, 48 हो गया। अब उसको चाहे तो मैं ऐसे बटे के रूप में भी लिख सकती हूँ मतलब अपॉन, या फिर मैं उसे डिवाइड के तौर पे भी लिख सकती हूँ, हो गया ये। अभी यहाँ पे कितना आएगा, 5 × 2 = 10, तो 48 डिवाइडेड बाय 10। चलो अब हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं मतलब भाग दे के देखते हैं कि हमें आंसर ये फाइंड आउट होता है या नहीं। तो किसे, मैं 2 से इसे डिवाइड करूंगी, 2 × 5 = 10 और 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8 मतलब 24/5 मिल गया हमें ये आंसर सेम। तो ये सभी को समझ में आ गया, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म ये जो है वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसमें हमें से क्या करना पड़ेगा, हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मतलब अंश और हर में हमें सेम संख्या से गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने के बाद मेरा आंसर आया 48/10 मतलब 48/10। अब मैं इसको अंश और हर के फॉर्म में लिख देती हूँ मतलब न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में मैंने लिख दिया 48/10। अब मैंने जिस संख्या से गुणा किया था उसी संख्या से मैं उसे भाग देती हूँ और भाग देने के बाद मैं देखती हूँ हमारा आंसर वही आता है कि नहीं। तो मैंने 2 से गुणा किया था तो मैं भाग भी उसे किससे दूंगी, 2 से ही भाग दूंगी। तो 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4 और 2 × 4 = 8, तो 24/5 जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया।
तो ऐसी हमें टोटल कितनी जोड़ियां बनानी है, 3 डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, मतलब 3 जोड़ियां बनानी है। तो हमारी एक जोड़ी बन गई, अब हम बनाते हैं अपनी दूसरी जोड़ी। दूसरी जोड़ी भी ठीक हम इसी तरह से देखेंगे, हमारा है 24/5। अभी यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अभी मैंने यहाँ पे 2 से किया था, अब हम आगे करते हैं 3 से, 3/3। न्यूमिरेटर में भी 3 और डिनोमिनेटर में भी 3 से, मतलब अंश में भी 3 और हर में भी 3 से हम उसे गुणा करेंगे। तो चलो हम लोग गुणा कर लेते हैं। 24 का अगर मैं 3 में मल्टीप्लाई करूं तो आप चाहे तो नहीं, अगर आपको पढ़ना पता है 24 का तो आप साइड में इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। 4 × 3 = 12, मतलब 4 × 12 और 3 × 2 = 6, मतलब 3 × 2 = 6 + 1 = 7, कितना आता है 72 हो गया। डिवाइड, अब 5 का 3 में करेंगे मल्टीप्लीकेशन, मतलब 5 का 3 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 5 × 3 = 15, राइट, मतलब 72/15। अभी मैं इसे सेम नंबर से डिवाइड भी करके देखती हूँ, मुझे आंसर सेम फाइंड आउट होता है क्या। तो चलो मैं 3 से इसे डिवाइड करूंगी, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, मतलब 3 × 2 = 6, 7 × 6 = 6 गया, 1 बचा तो कितना हो गया 12, मतलब 12, और 3 × 4 = 12, मिल गया हमें सेम आंसर 24/5। समझ में आई सभी को, तो हमारी यहाँ पे इस तरह से 2 जोड़ियां बन गई। अब हम इसे तीसरी जोड़ी बनाएंगे, तीसरी जोड़ी भी हम क्या करेंगे सेम 24/5 × 2, 2 से हो गया 3 से हो गया, अब हम उसे किससे करेंगे, 4 से करेंगे, 4/4। तो चलिए 24 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 24 का 4 में गुणा करके देख लेते हैं कितना आता है, 4 × 4 = 16, मतलब 4 × 4 = 16, 4 × 2 = 8, मतलब 4 × 2 = 8 + 1 = 9, 96, यहाँ पे आ जाएगा 96। अब ये हो गया अंश का गुणा हो गया, मतलब न्यूमिरेटर का हो गया, अब आते हैं डिनोमिनेटर पे, 5 × 4 = 20, मतलब हमें क्या मिल गया यहाँ पे 96/20। तो चलो हम सेम नंबर से उसे डिवाइड भी करके देखते हैं, 4 × 5 = 20 और 4 × 2 = 8, मतलब 4 × 2 = 8, 9 में से 8 गया, 1 बचा, मतलब 9 − 1 = 8, और यहाँ पे कितना होगा 16, तो 4 × 4 = 16, 4 × 16, मिल गया हमें आंसर 24/5। तो ये हमारे 3 पेयर्स बन गए, मतलब 3 जोड़ियां हमारी बन गई। लेकिन यहाँ पे देखो आप 24/5 दिया हुआ है, ये दोनों किस में है, प्लस में, यहाँ पे हालांकि कोई साइन आपको नहीं दिख रहा है, मतलब कोई चिन्ह आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन संख्या किस में है, प्लस में है। तो यहाँ पे हम तीनों पेयर्स में से किसी भी एक पेयर को, मतलब किसी भी एक जोड़ी को हम दोनों साइड क्या कर सकते हैं, ऋण करके दिखा सकते हैं, मतलब −72 और ये −15 हो गया। तो अगर आप चाहो तो देख सकते हो, माइनस माइनस हो गया प्लस, राइट, तो 24/5। अगर मैं एक जगह माइनस रखती हूँ और एक जगह प्लस रखती हूँ तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, तो मुझे आंसर मिलता है −24/5। लेकिन क्या वो आंसर राइट होता, नहीं, वो आंसर गलत होता था, क्योंकि हमें प्लस में आंसर चाहिए, तो मुझे दो, या तो फिर दोनों जगह प्लस रखना पड़ेगा या तो फिर दोनों जगह माइनस रखना पड़ेगा, तभी मुझे आंसर क्या मिलेगा, प्लस में मिलेगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन, मतलब दूसरा सवाल हमने यहाँ पे कम्प्लीट कर लिया। और तीसरा जो सवाल है वो सवाल भी सेम इसी तरह से है, बस यहाँ पे क्या है, नंबर चेंज है। मैं आपको बता देती हूँ नंबर क्या है। तो ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिर्फ नंबर चेंज है। तो जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में 24/5 किया था, तो यहाँ पे क्या है, −5/7, राइट। तो हमें ये सेम किसकी तरह करना है, जो हमने सेकंड क्वेश्चन अभी सोल्व किया है, सिर्फ उससे पहले देखते हैं हम लोग, −5/7, ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमने जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, सिंपलेस्ट फॉर्म को अगर हमको उसको कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मुझे यहाँ पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो सेम नंबर से माइनस क्या करेंगे यहाँ पे 2/2, मतलब न्यूमिरेटर में भी 2 और डिनोमिनेटर में भी 2। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो −5 का अगर 2 में मल्टीप्लीकेशन होगा तो कितना आएगा आंसर, −10, मतलब −5 का अगर 2 में गुणा होगा तो उत्तर हमें क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा, मतलब −10। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड, क्योंकि मुझे आंसर डिवाइड में चाहिए,
7 का अगर मैं 2 में मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो आंसर कितना मिलेगा 14, हो गया 7 × 14। अब ठीक, चलो मैं इसको करके भी दिखा देती हूँ कि हमें आंसर फाइंड आउट होता है क्या, जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, -10/14। तो मैंने आपको बताया था कि जिस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी से हम डिवाइड भी करके देखते हैं कि आंसर हमें सेम मिलता है या नहीं। तो 2 से अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो 2 × 7 = 14 और 2 × 5 = 10, ये -5/7। मतलब 2 से अगर मैंने इसको भाग दिया तो 2 × 7 = 14 और 2 × 5 = 10, तो -5 हो गया ये और हर में इसका 7। देखो जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, राइट। ठीक है, मैं इसके आगे का भी आपको बता देती हूँ। सेकेंड है हमारा -5/7, तो अभी मैंने इसको 2 से किया था, अभी हम इसे 3 से करेंगे, 3/3। तो चलिए हम इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। -5 का अगर 3 में मल्टीप्लीकेशन होगा तो आंसर क्या मिलेगा, -15। 5 × 3 = 15 और ये ऋण का चिन्ह। अब हो गया हमारा डिवाइड, 7 × 3 = 21। अभी चलिए इसको भी हम लोग कर सकते हैं, -15/21। 3 से इसे डिवाइड करते हैं, 3 × 7 = 21, मतलब 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15, मतलब 3 × 5 = 15। मिल गया हमें आंसर -5/7। अभी ये 2 पेयर्स मैंने आपको बता दिया है, तीसरा पेयर जो है आप खुद से करने का ट्राई कीजिए, राइट। क्योंकि खुद से अगर आप करोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा ये, राइट। तो यहाँ पे हमारा सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो सेम था वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। तो बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देती हूँ ताकि आपको जो है वो आसानी से समझ में आ जाए। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है कि इसमें एक फिश टैंक बना हुआ है, राइट। ये फिश टैंक के अंदर कुछ आपको फिशेस दिख रही हैं, जिसके ऊपर आपको कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। दिख रहे हैं सभी को नंबर, राइट। तो हमें क्या करना है, ये जो फिश टैंक है, फिश टैंक में हमको कुछ मतलब मछलियां दिखाई दे रही है और उन मछलियों के ऊपर कुछ संख्या लिखी गई है। तो हमें क्या करना है, इस संख्या का उपयोग करके हमें 4 जोड़ी गुणा की बनानी है और 4 जोड़ी किसकी बनानी है, भाग की बनानी है। मतलब हमें जो नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर का यूज करके हमें 4 पेयर बनाने हैं मल्टीप्लाई के और 4 पेयर हमको बनाने हैं डिवाइड के, जिसमें से ऑलरेडी एक पेयर आपको दे दिया गया है यहाँ पे, राइट। तो ये मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि ये कैसे किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहला हमारा जो एग्जाम्पल है उसी को हम समझ लेते हैं। अभी फिश टैंक में अगर आप देखोगे तो एक जो फिश है जिसका मार्किंग, जिसका नंबर क्या दिया हुआ है, -13, राइट। इसी तरह से हम कोई भी पेयर्स को ले सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल दिया इसमें -15 भी लिया हुआ है, लेकिन आप चाहे तो किस कोई भी नंबर्स अपने मन से यूज कर सकते हो, मतलब अपने मन से कोई भी नंबर आप वहाँ पे ले सकते हो। तो चलो यहाँ पे दिया हुआ है -13 × -15, मतलब यहाँ पे 13 को, मतलब 13 को किससे मल्टीप्लाई किया है, 15 से मल्टीप्लाई किया है। चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं आंसर कितना मिलता है हमें, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 5 + 8 कैरी 1, 5 × 5 = 5 + 1 = 6, 3 × 3 = 1, 1 × 1 = 1, 5 × 6 = 3, 9 = 1। हमें क्या मिल गया आंसर, 195। अभी यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, मतलब माइनस का अगर मल्टीप्लीकेशन होगा माइनस के साथ तो आंसर हमें किस में मिलता है, प्लस में मिलता है। तो वो प्लस में लिखू या ना लिखू एक ही बात होती है, राइट। तो मैं इसे एक बार हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। -13 यहाँ पे मैंने लिया है और यहाँ पे मैं कोई भी दूसरी संख्या अपने मन से ले सकती हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे लिया है -15, तो अब 13 का 15 में मैंने गुणा कर दिया तो मुझे आंसर मिल गया 195, मतलब 195। अब यहाँ पे ऋण है और यहाँ पे भी ऋण है, तो ऋण का ऋण में जब गुणा होता है तो आंसर हमें किस में मिलता है, धन में मिलता है। तो यहाँ पे मैं धन लिखू या न लिखू एक ही बात हो गई, राइट। ये हो गया हमारा पहला जोड़ी। तो अब हम बनाते हैं हमारी दूसरी जोड़ी। तो चलिए इन दूसरी जोड़ी में से मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लेती हूँ +12। ये वाली फिश मैंने लिया +12, अगर मैं इसे प्लस नहीं भी लिखू तो भी चलेगा, मल्टीप्लाई। और यहां से मैं किसी भी नंबर्स को ले सकती हूँ, मैंने यहाँ पे लिया ये -13, तो -13 को मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, +12 × -13। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर्स का नंबर्स में मल्टीप्लीकेशन, मतलब संख्या का संख्या में हम गुणा करेंगे।
तो चलिए हम 12 का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं 13 के साथ। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं 12 का 13 में मल्टीप्लीकेशन। 3 2 6 मतलब 3 2 6, 3 1 3, 3 3 1 3, 2 1 2, 2 1 2, 1 1 1, 6 5 1। आंसर कितना आ गया 156। ये हो गया, हमको आंसर मिला यहाँ पे 156। अभी ये आंसर इनकम्प्लीट है क्योंकि मुझे यहाँ पे साइन भी लगाना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि साइन क्या लग रही है। अभी यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस का जब भी माइनस के साथ मल्टीप्लीकेशन होता है मतलब गुणा होता है तो हमें आंसर किस में मिलता है, माइनस में मिलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल टू माइनस, तो आंसर हमारा आएगा -156। ये सभी को समझ में आ गया। इसी तरह से तीसरी और चौथी पेयर्स भी हमको बनानी है, मतलब तीसरी और चौथी भी जोड़ी हम बनाएंगे अलग अलग फिश को लेके। तो ये दो जोड़ियां आपको बता दिए, बाकी की दो जोड़ियां आप होमवर्क कीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारे डिवाइड की तरफ। डिवाइड में भी सेम, हमने किसी भी फिश का मतलब कोई भी मछली का नंबर लिया है यहाँ पे, तो सबसे पहली फिश का नंबर यहाँ पे लिया 24, माइनस में है डिवाइडेड बाय 9। तो इस मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे भी कि ये डिवाइड को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में, मतलब अंश और हर में भी हम उसे लिख सकते हैं। तो चलिए मैंने इस तरह से लिख लिया -24/9। तो अभी हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे कि 9 और 24 ऐसे कौन से टेबल है जिसमें 9 भी आता है और 24 भी आता है। तो 3 के टेबल में आता है, तो 3 3 9 और 3 8 24, तो -8/3। ये सभी को समझ में आ गया होगा राइट। ये हो गया हमारा फर्स्ट पेयर। तो अब हम हमारी सेकंड पेयर लेते हैं। तो चलिए सेकंड पेयर के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे ले लेती हूँ ये जो फिश है जिसका नंबर है -28। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -28 डिवाइडेड बाय। अभी यहाँ पे मैं दूसरी फिश लेती हूँ -8, ये वाली फिश मैं यहाँ पे ले रही हूँ -8। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब अंश और हर की तरह, -28 डिवाइडेड बाय -8 राइट। तो अभी चलिए हम देखते हैं सबसे पहले ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 8 और 28 दोनों आता हो, मतलब ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें 8 और 28 दोनों आ रहे हैं। तो 4 का टेबल, 4 के टेबल में आता है, तो 4 2 8 मतलब 4 2 8 और 4 7 28, 4 7 28 क्या। और ये तो हमारा आंसर क्या मिला हमें -7/-2। अभी ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, या फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 7/2। तो ये सबको समझ में आ गया। जैसे अभी यहाँ पे मैंने टू पेयर्स किए हैं, टू पेयर्स मैंने मल्टीप्लाई के करके बताए हैं और टू पेयर्स यहाँ पे मैंने आपको डिवाइड के करके बताए। अभी मल्टीप्लाई का एक दो पेयर और डिवाइड का दो पेयर्स आपको होमवर्क करना होगा राइट। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया है सेम उसी के बेस पे आपको आगे के दो दो पेयर्स बनाने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।